यशस्वी जायसवाल के फॉर्म में आने में ज्यादा देर थी नहीं, और फॉर्म में आना है तो भी स्टाइल में आई है, उस तरीके का ये शतक जड़ा, बहुत अच्छी बल्लेबाजी की। और जब फॉर्म में नहीं थे तभी भी उनकी स्ट्राइक रेट 140 की थी, इसी वजह से बार बार हम इनकी काबिलियत के कसीदे पढ़ रहे थे। अब वो सिर्फ एक जीत दूर है राजस्थान रॉयल्स क्वालिफाई होने से। कमाल का क्रिकेट खेला है, एक कंप्लीट टीम नजर आती हुई। वहीं पे मुंबई इंडियंस, मुझे लगा अभी भी पेपर पे बहुत अच्छी टीम है, लेकिन मैनेज बहुत बुरी तरीके से की जा रही है। स्पेशली हार्दिक पंड्या एज ए लीडर, अगर उनका फॉर्म नहीं होगा तो आप अपनी टीम के लिए वीक लिंक हो जाएंगे, और मुझे ये ज्यादा वरी है कि वो उनकी हिटिंग एबिलिटी को नीचे लेके जा रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है जो इंडियन टीम के लिए भी अच्छा नहीं है। देखिए, ऐसा लग रहा है कि वो ऐसे रास्ते ढूंढ रहे हैं हार्दिक पंड्या फॉर्म में आने के लिए कि जहाँ पे अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन पे रखना चाहते हैं, वहाँ पे मुझे लगता है कि आप अपनी टीम के लिए ना वो रिस्पेक्ट नहीं जीत पाएंगे अपने प्लेयर से। नंबर तीन पे आ जाते हैं जब परफॉर्मेंस अच्छा करते बाकी बल्लेबाज, और यहाँ पे नेहल वडेरा को आगे भेजते, मोहम्मद नबी को आगे भेजते, और वो पोजीशन पे नहीं आते जहाँ पे अपनी टीम के लिए मुश्किल काम करना है। इसलिए मैंने पहले भी कहा था कि अगर एज ए लीडर आपको अपनी टीम का रिस्पेक्ट जीतना है तो मुश्किल काम करना होगा, आसान काम मत ढूंढिए। पहली ओवर डालते ये सोच के कि निकल डालूंगा एक ओवर, लेकिन वहां पे भी दो चौके खाते, बटलर को फॉर्म में लाने में मदद करते, और बुमराह के सामने जब दूसरी ओवर में आते बटलर कुछ हद तक वो ओवर निकाल देते। शायद अगर पहली